नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के बाद अब यह व्रत मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली में भी बड़े धूमधाम से पाली के प्राचीन सगरा तालाब में छठ पर्व पर शाम होते ही प्राचीन सगरा तालाब में छठ घाटों पर श्रद्धालुओं तथा महिलाओं की भीड़ उमड़ी। व्रती महिलाएं घुटने पर पानी में खड़ी होकर डूबते हुए सूर्य भगवान को प्रथम अर्घ दिया। रात भर शहर और देहात में छठ मैया के गीत गूंजते रहे। छठ व्रत रखने वाली महिलाएं सोमवार की सुबह से ही तैयारी में लग गईं। इसे एक बड़े पात्र में रखा गया। सुबह से ही निर्जल रहकर स्नान आदि और श्रृंगार कर महिलाएं परिवार के लोगों के साथ छठ घाटों पर पहुंची। इसके बाद एक दीप गंगा मैया और एक दीप सूर्य भगवान को अर्पित किया गया। यह सब करने के बाद महिलाएं नदी तालाब और पोखरों में कमर भर पानी में जाकर खड़ी हुई। इसके बाद व्रती महिलाएं परिवार के सदस्यों के साथ घर लौट आईं। यह व्रत जो है यह सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और सूर्य भगवान की उपासना के लिए ये व्रत छठ लोग करते हैं। यह व्रत जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व इसको माना जाता है। और यह पर्व अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, सुख संपत्ति के लिए व्रत किया जाता है। यह पर्व जो 3 दिन का होता है। पहला दिन ये खरना होता है जिसमें लोग व्रती जो हैं वो उपवास रह कर करके उस दिन जो कुछ खाते पीते नहीं, खाना पीना जो है उन लोगों का ये रहता है कि जो लहसुन प्याज वगैरह कुछ खाते नहीं हैं उन लोग, सिर्फ थोड़ा सा मीठा कुछ खा लिए अपना। वहाँ पूजा अर्चना करने के बाद ये दूसरे दिन उपवास रह कर करके और ढलते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और तीसरे दिन जो है यह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कार्तिक के महीने जब चढ़ता है तो हमारे मन में बड़े उत्साह होने लगते हैं और खुशी होने लगती है कि हम लोग को छठ करना है, छठ पूजा करना है। छठ पूजा के लिए हम लोग कपड़े की तैयारी, फल फ्रूट की तैयारी और अपने रिश्तेदारों में खबर करने लगते हैं। बेटी बहनों को बुलाने की इच्छा हो जाती है कि हमारी बेटी बहनें आए और हम लोग छठ पूजा करें। छठ पूजा की बहुत सारी तैयारियां होती है और ये 4 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन नहाय धोए होता है, दूसरे दिन खीर पूड़ी होता है और तीसरे दिन 24 घंटे का व्रत होता है। ये व्रत अपने पुत्र और परिवार की सौभाग्य के लिए औरतें व्रत रखती हैं और इस व्रत को जो कोई रखता है करता है उसकी मन्नतें पूरी होती हैं। इसीलिए छठ पूजा हम लोग करते हैं और इसकी 1 महीना पहले से ही हम लोग तैयारी करते हैं।